हेलो, सर जी नमस्ते नमस्ते भैया। अच्छा, बोलिए भैया। जी। सर परेशान बहुत हूँ सर। मैसेज किया था सर आपको। मेरा लगभग लगभग 40 के आसपास 35+ का लोन है, क्रेडिट कार्ड और सब मिला के। हाँ 35 लाख। सर, और दिक्कत क्या हुई सर, मैं तो गवर्नमेंट टीचर हूँ, लेकिन मेरे बच्चे की तबीयत 2 साल पहले से बहुत खराब हुई। डीके हो गया, डायबिटिक कीटोनिक अटैक, उसी को फिर टाइप 1 डायबिटीज हो गई। जब डीके हुआ था तो मैं लगभग सारा हॉस्पिटल में एडमिट था 2 महीने, और वहाँ सर लगभग बहुत पैसा लग गया। उसी चक्कर में सारा एक लोन, जैसे कुछ मतलब दोस्तों से रिश्तेदारों से लिए, लेकिन उनको वापस तो करना ही था, तो लोन 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 ऐसे लोन के चक्कर में लोन होते गए सर। अब स्थिति ये है कि 59,000 सैलरी है, 35,000 रुपए के आसपास का बच्चे की दवा खर्चा है, वाइफ की तबीयत खराब रहती है, उनका 10,000 का खर्चा है, तो यार, आपके लिए बाकी हॉस्पिटल वगैरह का मिलता नहीं है क्या, कुछ है इसमें मेडिकल नहीं। वगैरह में? नहीं सर, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं, केवल कहने के लिए हमारा गवर्नमेंट है, बाकी केवल सैलरी गवर्नमेंट मिलती है, बाकी और कोई सुविधा नहीं मिलती है। अच्छा, हाँ सर, तो इसी तो चक्कर में आपके पास तो क्या मेडिकल डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, सभी जी सर। मेडिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं, भी होंगे? जैसे जैसे दिक्कत क्या हुई, जब मैं एडमिट किया था, इस समय तो जैसे डॉक्टर के पर्चे ऑनलाइन थे, तो वो तो डॉक्टर के पर्चे कुछ हैं ऑनलाइन, लेकिन जैसे ये सब मैंने सोचा नहीं था कि ये सब करना पड़ेगा, तो ढूंढने पे कुछ मिल नहीं रहा है। बीच में एक बार मैं बस से जब दवाई करवा के लौट रहा था, पूरा मेरा वो गायब हो गया था, अच्छा। पूरा बैग गायब हो गया था। हाँ, उसी में से सारा चीज, तब इसलिए उसी में रहते थे सर। मतलब पूरा पूरा बैग किसी ने बस से छीन छीन लिया, नहीं लिया, छूट अब गया। छूट क्या गया, उतरते समय ढूंढने लगा, बस से मिला ही नहीं, जैसे ऑनलाइन ऊपर रख अगर दिया देख जाता लो, है। अगर उसका स्लिप वगैरह एक दो निकल जाए तो, और बाकी फिर भी उससे तो कितना खास फर्क नहीं। अभी क्या दिक्कत आ रही है, अभी पेमेंट नहीं कर पा रहे हो? अब सर इसी महीने से सारे पेमेंट रुकने शुरू हो गए। हाँ, तो 2 3 4 5 महीने तो भाई साहब आपको झेलना पड़ेगा। अच्छा सेटलमेंट का अच्छा अमाउंट जोड़ो, और सेटलमेंट ही करते रहो तो 3 4 महीने तो भाई साहब परेशानी भुगतनी पड़ेगी आपको, अच्छा सेटलमेंट भी अच्छा करोगे तो। अच्छा अच्छा सर, हाँ, बाकी जैसे सेटलमेंट में जाएंगे तो सर कुछ मदद करेंगे, उसमें क्या होता है प्रक्रिया कुछ बताएंगे सर, 3 महीने बाद ही, जब 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब भी हो। लेकिन सेटलमेंट भी आप एक साथ इतना अमाउंट कहाँ से लेके आओगे? नहीं, थोड़े थोड़े, हाँ, जैसे जैसे आपके जैसे पास में पैसे आते जाएं, एक एक करके सेटल करो। जैसे जो उसके जो बीच में मेरे ये लोग पास साठ आपको दस आपको जैसे मेरे मतलब पास जी, उसके बीच में ये आपसे वसूली करने की कोशिश करेंगे। देखो, किसी भी टाइप से हर कोई जो भी पैसा देता है तो वापसी लेने की तो हाँ सर कोशिश करता ही है, जी, थर्ड पार्टी एजेंसी में। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो उन चीज़ों से अगर आप परेशान ना हो, धैर्य रखें, तो कर होगा कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक उनकी जो प्रोसेस होती है वो करते हैं। उसमें क्या होता है कि कई रिकवरी एजेंट हैं जो कई बार ज़्यादा हद से जो इलीगल होता है ना, वो भी कर देते हैं, जैसे बार बार कॉल करके परेशान करना, धमकाना वगैरह, ऐसे ऐसे करते। बाकी होना जाना कुछ नहीं है। एक टीचर और था, उनके साथ भी ऐसा ही प्रॉब्लम था, सेम सिचुएशन थी। तो हाँ मैंने सर, वीडियो भी डाल रखी है इसमें, कई सारी आप वीडियो देखोगे तो, मैंने जैसे नहीं जो बहुत आप देखा सर, जैसी गवर्नमेंट वाला नहीं मिला, इसीलिए मैंने कहा आप आपसे बात है करूं। जैसे सेम आप जैसी इस सिचुएशन का ही एक टीचर है, उसका भी शायद रिकॉर्डिंग मिल जाएगा आपको, वीडियो जैसे आपसे बात कर रहा था वैसे। उन्होंने बोला था कि ठीक है, अगर किसी को मदद मिले तो आप मेरा मतलब वॉइस दे सकते हो, ऐसा। नहीं सर, वो मिला नहीं मुझको, मैं बहुत ढूंढा, तब मैंने मैंने कहा आपसे एक बार पर्सनली बात करके थोड़ा सा रिलैक्स मिले, और जब कभी जरूरत पड़े बीच बीच में 2 4 6 महीने पे एकाध सेम बार। सेम सिचुएशन थी आपकी तरह ही, उसका भी करीब करीब 25 से 30 लाख रुपए के बीच में मतलब वो ऐसे चल रहा था, और वो भी EMI पे नहीं कर पा रहा था। तो अभी धीरे थर्टी धीरे करके सेवन उसने, लाख है सर, 37 लाख टोटल। हाँ, तो धीरे धीरे करके उसने सेटल किया फिर जैसे ऐसा। मैं सोच रहा हूँ, जैसे 8-10 हज़ार रुपये जो बच रहा है, उसी को धीरे धीरे सेव करूँ। हाँ बिल्कुल, आपको ऐसा अगर आप बढ़िया से प्लानिंग करेंगे ना, तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके जो आपके पास में आ रहा है उससे एक एक करके सेटल कर सकते हैं ऐसे। जैसे सब में सर ईसीएस है, चार चारों लोन जो बैंक वाले हैं 8-8 लाख के, हाँ एचडीएफसी, एक्सिस, टाटा हाँ कैपिटल और बजाज, ये इनमें बड़े अमाउंट हैं, बाकी तो जो क्रेडिट कार्ड है सब 1-1 लाख के हैं। क्रेडिट कार्ड का तो सस्ते में हो जाता है सेटलमेंट। नहीं तो ये सब टाटा कैपिटल, बजाज और ये जो एक्सिस हैं, ये सब हाँ, 8 और 10 लाख के बीच में हैं। तो इस बीच आपके रिकवरी एजेंट भी आएगा घर पे, ऐसी कोई बात नहीं, उसके प्रोसेस होता है। तो बोल देना बजाज भैया अभी वाले तो नहीं है, मेरी तीसरे ये दिन ही आ प्रॉब्लम गए है। सर, हाँ बजाज वाले तो तीसरे दिन ही आ गए,
कल फिर आने के लिए कह रहे हाँ तो हैं। प्रोसेस है उनकी, आ सकते हैं घर पे। तो मैं यही कह रहा हूँ सर कि मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ आपकी वीडियो मैंने देखा था, मैं ये कह रहा हूँ पैसा नहीं है सर, अगर आपको जरूरत हो चलो मुझे जेल में डाल दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे ले चलिए, अगर थाने में लेके चल रहे हो तो थाने में लेके चलो, जो भी आपकी पनिशमेंट मुझे जो है आप जो भी लीगली एक्शन है वो आप ले लो, बाकी मेरे पास है नहीं। अगर ज़्यादा कुछ ऐसा मिसबिहेव बदतमीजी करे तो हमेशा मोबाइल से बिना उनको बोले ही बिना बताए मोबाइल का वीडियो पहले से ऑन करके जेब में डाल लिया करो। अच्छा अच्छा सर हाँ तो वो आपके जी, प्रूफ के तौर पर काम आएगा बाद अच्छा सर। और एक में। चीज़ और सर, जैसे प्रूफ चारों जो हमेशा, बैंक प्रूफ हैं हमेशा सेव जी, करके रखो उनके खिलाफ, जो जो भी अब अगर। रखें? नहीं, अब रखेंगे सर, क्योंकि जैसे ये हाँ सब कभी सोचा ही नहीं था कि ये स्थिति आएगी। हाँ तो हाँ आदमी अगर प्री प्लान होता तब तो मैं बैंक के वो जो हॉस्पिटल के एक एक रुपए के बिल जो है सब मैं संभाल के रखता। जी, इकट्ठे सर, इकट्ठे 35, ओ लगभग 25 लाख का इकट्ठे, जब पहली बार 2 महीने एडमिट था मैं सहारा हॉस्पिटल, एक दिन का 67-68 हज़ार रुपये का उनका बिल है केवल, और दवा वो सब मिला था, लेकिन उसी में था सर, बैग में मेरे। नहीं ऑनलाइन जैसे करवाया है तो मिल जाएगा आपको, उसका ऑनलाइन निकल जाएगा। नहीं, हॉस्पिटल वाले कहाँ ऑनलाइन देंगे, 3 साल हो गया, 2.5 साल। हॉस्पिटल में मैंने एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कस्टमरों की कोई भी रिकॉर्ड ना किसी को दिया जाता है दूसरी बार, और ना हम किसी कस्टमर को ही शेयर करते हैं एक बार देने के बाद। जो भी है अब यही है कि जी अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या करेंगे, तो आपको यही है जो लीगली होता है ना, तो लीगली की तरफ आप मूव करो, कोई दिक्कत नहीं, लीगल में भी ऐसा कोई इश्यू नहीं आएगा, आपकी प्रॉब्लम को समझा जाता है। जी जी हाँ इस एक बीच बात और में सर, ये आपको कई बार परेशान करने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा जी डिस्टर्ब करने की भी कोशिश करेंगे, तो बस अपना धैर्य हाँ नहीं हाँ खोना, सर, शांत रहो, अच्छा अच्छा जो हो रहा है जी जी वो अरे आराम से, शांत रह के। सर, परसों नरसों जैसे शुरुआत में ये लगा कि एक दिन मन किया चार लोग हैं घर में, चारों लोग सुसाइड, अरे नहीं उससे यहाँ तक पागल ख्याल हो आ गया सर, आप, इतना इतना ज्यादा सर, बहुत ज्यादा परेशान समझ लीजिए कि मैं हो गया कैसी सर। बातें कर रहे हो यार, आप एक अरे टीचर हो सर, के यार, एक अध्यापक हो, आप शिष्य को पढ़ाते हो, तो ऐसी बातें सब बनी। यही सब सोच के सर कि अगर कि कोई बच गया तब उसका फिर क्या नहीं होगा। नहीं फिर आपकी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा हुआ, क्या जी इसीलिए पढ़ाई लिखाई किया, क्या पढ़े लिखे का फायदा क्या हुआ, और फिर तो आप में और अनपढ़ में क्या क्या फर्क हुआ फिर। नहीं सर, यही तो सब दिमाग में आया, तो सर अपने आप को संभाला कि चलो फेस करूंगा, कोई आएगा गाली गलौज करेगा, मैंने ब्रदर सुख नहीं दुख जो होते हैं ना, नहीं लिया है ये तो दो अब पल मैंने हैं, पैसा लिया है आएंगे तो और जाएंगे। सुनूंगा। देखो 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 सुख और दुख है ना, दो पल हैं, आएंगे और जाएंगे, हो सकता है तुमसे ये तुम्हारे दुख तुम्हारे अंदर तुमको जो तकलीफ हो रही है इसलिए भोगनी पड़ रही हो कि तुम्हारा समय अच्छा आने वाला हो, और हमेशा ऐसा ही होता है अक्सर कि जब भी वक्त बुरा आता है ना तो इंसान जो है ना और भी ज़्यादा मजबूत होकर बाहर निकलता है, तो हिम्मत हारने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा कुछ आपको इतना गारंटी है कि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार आपको कोई भी इस प्रकार से, मतलब आप गाइडलाइन पढ़ लेना उसमें गूगल में, उसके अलावा थोड़ा बहुत अच्छा करते अच्छा हैं, अगर आप शांत रहेंगे ना तो कोई आपका कुछ जी, भी नहीं कर सकता, किसी से अच्छा आपको सर, झगड़ा करने की जरूरत नहीं, अगर कोई गलत बोलता है तो उसको आराम से शांत रह के उसका बिना उनको बताए, बताएंगे तो झगड़ा होएगा, बिना उनको बताए उनका एक दो रिकॉर्डिंग वगैरह कर लिया, अगर उनसे झगड़ना नहीं है कि मैं तुम्हारा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, आपको नॉर्मली तरीके से बिल्कुल शांत रह के, आप तो टीचर हो ये सब आराम से कर सकते हो, जी, नहीं, सर है वो ना, तो बिल्कुल सही करें और सर। घर वालों को थोड़ा समझा दो कि ये सब चीज़ें हैं, धीरे धीरे करके हम सेटल कर देंगे, फिर से हम एक बढ़िया जी, शुरुआत कर सकते हैं, कोई बड़ी हाँ बात नहीं है ब्रदर। अच्छा, एक चीज हाँ और जानना था सर, जैसे चारों में ईसीएस एक्टिव है। हाँ वो आपका माइनस जाता रहेगा, वो आपके सैलरी अकाउंट से है क्या? दो तो सैलरी अकाउंट से है सर, और दो बिना सैलरी अकाउंट के हैं। सैलरी अकाउंट में अभी तो पहला इसलिए हुआ कि व्यवस्था नहीं हो रही थी, तो सैलरी से मैंने ऑनलाइन निकाल लिया पैसा। तो वो तो माइनस कर देते होंगे ना, माइनस जाता है बैलेंस, नहीं, बैलेंस तो माइनस नहीं, जीरो दिखा रहा है सर, तो अभी तो सैलरी वाले पेंडिंग तो नहीं हुआ माइनस। होगा ना। क्या जी? नहीं, एक ईसीएस तो था सर, ईसीएस दो दो ईसीएस मतलब 21 हज़ार और 19 हज़ार के कैंसिल हुए उसमें से। हाँ तो वो तो बाउंस चार्जेस लगा सकते हैं, बाउंस चार्जेस अगर आपका उसमें बैलेंस रहेगा तो बाउंस चार्जेस तो लगाएंगे, माइनस में भी ले जा सकते हैं सर क्या? अगर ग्रामीण बैंक माइनस है जो में, लोग, अगर माइनस में ले जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, जी, माइनस में ले जाने से आप अगर सैलरी का यूज करेंगे उससे पहले वो कट कर लेंगे, जी, अगर माइनस ले जाए तो सैलरी अकाउंट चेंज करवाए इसका सर। उसमें भी कई बार एनओसी मांगते हैं सैलरी अकाउंट चेंज कराने में, लेकिन जिस बैंक में मेरी सैलरी आती है उस बैंक से लोन नहीं है। अभी करा लो आप, जी, पहले ही चेंज करा लो सैलरी अकाउंट अगर हो जाए तो। जी,
सैलरी अकाउंट चेंज करवा लो ताकि कम से कम 52,000 जो उसमें तो नहीं लगेगा। अच्छा सर, ये चीज़ कर लूँ मैं। ठीक है अगर सर। हो जाए तो पहले काम यही कर लो, आप सैलरी अकाउंट चेंज करा लो। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है ब्रदर, जी सर, ज़्यादा बढ़िया सर। ऐसा सोच रहे हो ना, ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली लाइफ, आप टीचर हो, पढ़े लिखे हो, कोई किसी को जी फांसी नहीं दे रहा है। आजकल मर्डर करने के बाद ही कई साल लग जाते हैं फांसी होने में, तो ये कोई क्राइम नहीं है। अगर आप लोन नहीं चुका पा रहे हो तो ये क्राइम की श्रेणी में नहीं आता जी है ना। हाँ जी और एक चीज और सर, जैसे अगर ECS बाउंस का केस वगैरह हुआ तो दूर होता है, तो वहाँ वकीलों से ऐसे संपर्क किया जाए सर, ई उन सी एस सबकी सलाह बाउंस आप। होता है, लेकिन उसका ये नहीं होता है कि आपका एक ही दिन में ई सी एस बाउंस केस हो गया। उसका प्रोसेस होता है, उसका प्रोसेस टाइम बहुत होता है, आपको सब समझने का मौका मिलता है। हाँ, वहाँ भी आपको लास्ट में ऑप्शन मिलता है एक बार सेटल करने का कि सेटल ही कर लो। तो आप अपनी इनकम बता सकते हो, मेरी ये इनकम है और ये मेरी पोजीशन है, इसमें मैं इतना घर खर्च चलाता हूँ, जो भी अपनी प्रॉब्लम है आप उनके साथ में शेयर करके बात रख सकते हो। आपका तो रेगुलर इनकम है यार, आप जल्दी बाहर निकल जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है ना। सेटल्ड करके बाहर निकल जाओगे तो आप एक नॉर्मल लाइफ में आ जाओगे, क्योंकि उसके बाद भी आपकी तो इनकम रेगुलर रहनी है, हर महीने आनी है। कहाँ जाएगी बताओ, 60,000 रुपये आ रहे हैं ना करीब करीब। हाँ, तो 60,000 रुपये बहुत होते हैं वो, क्योंकि आपकी रेगुलर इनकम है। हाँ सर, हाँ, जी तो आपको बस ये ये मतलब आपके लिए ये 2-3 महीने जो है ना, ये निकालने में आपके लिए यही थोड़ी सी बड़ी बात है। मतलब थोड़ा सा हरास करेंगे, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप शांत रह के समय निकाल दिए तो आप वापस पहले जैसी स्थिति में आ जाएंगे। फिर सर, यही 2-4-6 महीने साल जो भर हम में आप इसीम बाहर ज़्यादा निकल पर जाओगे पूरी तरह से, 1.5 साल ज़्यादा में। इसीम परेशान करते हैं सर, हाँ, तो बैंक बढ़िया वाले से और मैनेजमेंट बनाओगे आप, एक प्लानिंग बनाओ, प्लानिंग के तहत काम करोगे तो निश्चित रूप से आप थोड़ा समय दो प्लानिंग बनाने में और कोशिश करो कि मैं कैसे इससे बाहर निकल सकता हूँ। निश्चित रूप से बाहर निकल जाओगे आप। हाँ, आपसे भी बड़े बड़े भी हैं फंसे फंसे टीचर, एक नहीं है टीचर, तो 2-3 हैं। एक टीचर का तो उसने बोला भी था, उसका भी यही है, एक लेडीज टीचर भी है बेचारी, उसके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम थी। वो तो गैम्बलिंग कर गई थी 20-22 लाख रुपए के करीब, तो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन वो भी अभी धीरे 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 बाहर निकलने की कोशिश कर रही है ऐसा। अच्छा सर, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लोन भी मैंने लिया तो सिर्फ दवा में, बाकी मैंने फैमिली का दिमाग अगर में आपके पास सोचा में था। सपोर्ट है ना, फैमिली सपोर्ट है आपके पास में, तो आप आराम से निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। फैमिली को वो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम है अपने, ऐसे ऐसे हम बाहर निकलेंगे। उनको अपनी प्लानिंग बताओ कि हम कैसे इससे बाहर निकल रहे हैं, है ना, तो उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा। और बताइए दोस्त, क्या मदद कर सकते ठीक है सर, बीच बीच में सर बात करते रहेंगे, जब भी आपको समय मिलेगी थोड़ा हैं। सा हौसला अफजाई कर दीजिएगा बिल्कुल बिल्कुल। और आप है ना रिकॉर्डिंग वाली वीडियो देखो, सर। हाँ जैसे मैं जी आपसे जी बात कर रहा हूँ, काफ़ी लोगों को भी मैंने मतलब उनका जो मतलब वो इस स्थिति से बाहर निकल चुके हैं या निकल निकलने के करीब हैं, उनका भी रिकॉर्डिंग मैंने डाला हुआ है। मैं ज़्यादा वीडियो अच्छा नहीं अच्छा डालता, क्योंकि बहुत कम हाँ ही ज़्यादा वीडियो वीडियो डालता नहीं है हूँ। सर, मैंने आपकी लगभग लगभग देखी, लेकिन रिकॉर्डिंग वाली तो हमें लगता है मिस हो गई होगी या नहीं मिली होगी ढूंढने में। हाँ, तो 2 या 3 मंथ, मतलब मैं 2 या 3 मंथ से पहला वीडियो डाला हूँ, क्योंकि मैं ऐसे बेकार में कंटेंट नहीं डालता, कोशिश करता हूँ कि कुछ तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिले। इसलिए कांटेक्ट में रहो, कोई ऐसी कोई बात आए तो आप मुझसे जानकारी ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है ब्रदर। मेरा मकसद इसमें मैं अर्निंग करना नहीं है, मैं यही है कि लोगों को कुछ कॉन्फिडेंस देके ऐसी प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं ना। तो ये बात है, जब भी मैं फ्री रहूंगा तो आपका रिप्लाई मिल जाएगा इस पर अभी व्हाट्सएप पर। अभी मैं एक दो लोग वीडियो देखा, मैसेज मांगा तो उन्होंने मैसेज किया कि मेरा एक लोग मैसेज भी फोन फोन भी किया कि 34,000 रुपये महीने मेरी फीस है, उसको आपको देना पड़ेगा, तब मैं मैनेज करवाऊंगा सर। अब पैसा होता तो मैं बैंक को ना जमा करता, 34,000 कहाँ से होता दूंगा पर मंथ। है ऐसा ब्रदर, मेरा भी उन्होंने ये कहा कई मैं बार लोगों से, जैसे मैं फ्री टाइम में रहता हूँ ना, मेरा अपना खुद का समय होता है, तो उसमें से मैं कुछ समय देता हूँ, तो इसमें मैं सर निःशुल्क कर रखा हूँ। लेकिन इसका भी क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ निःशुल्क होती है ना, तो उसका उपभोग भी ज़्यादा होता है ना, मतलब उसको बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल यूज़ किया जाता है। हाँ तो सर, जितना हो बिल्कुल सकता है, ये नहीं कह रहा कि मैं 100% मतलब सभी को रिप्लाई देता हूँ, जितना हो पाता है जितना कोशिश करता हूँ ऐसा। नहीं, आपने हमको सर रिप्लाई दिया, इसलिए थोड़ा थोड़ा आपकी वीडियो बहुत देखा, उसमें समझ में आया, तो आपको भी मैसेज किया, तो एक लोग को तो और मैसेज किया था सर, वो कोई इजी सेटलमेंट करके दिल्ली के हैं, नोएडा के। हाँ, तो उन्होंने फोन किया तो उन्होंने मैसेज किया कि इतना आपका लगे, अब सर 34,000 रुपये वैसे ही नहीं बचा नहीं, है तो कहाँ पैसे से उनको होते तो दूंगा। ऐसी प्रॉब्लम ही क्यों क्रिएट होते। मतलब वो मैन क्या होता है कि जो बेचारा बर्बाद हुआ होता है ना, तो उसको और खड्डे में धकेलने वाले लोग हैं। हाँ सर, यहाँ किसी को किसी की नहीं पड़ी है कि मैं उसके बारे में सोचूं, सिर्फ और सिर्फ हाँ पैसा सर, कमाने के बारे में सोचने वाले हैं वो। अब वो उन आपकी कंडीशन नहीं देखेंगे कि आप गरीब हैं, कि आप खड्डे में हैं, कि आपकी पोजीशन ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ख़राब है, तो उस बारे में आपके बारे में सोचने के लिए कोई भी नहीं बैठा है।
जी, है ना, सर वो सब लोग ऐसा नहीं करते। अरे सर, मैं आपको बताऊं, हाँ मैं बच्चों को सर, जो गांव के गरीब बच्चे हैं उनको फ्री में पढ़ाता हूँ। हाँ ये, लेकिन उसके बाद भी मुझे ये तकलीफ मिली, भगवान पता नहीं कहाँ थे, क्या हुआ। नहीं है, कई बार वक्त खराब आता है, लेकिन वक्त जब खराब आता है वो अच्छे के लिए आता है। वो हो सकता है आप और भी ज्यादा सुदृढ़ होके उस स्थिति से बाहर निकल के ज्यादा कामयाब हो, ऐसा होता है ना। परीक्षाएं हैं ये तो ऊपर वाला सबके लेता रहता है। प्रयास ये है कि सर, वही जो कुछ बच रहा है उसी में बचा के, जो एक एक बैंक का प्रयास करके, कितने तक में हो जाता है सर बैंकों का? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका स्वभाव कब तक शांत रह सकता है, कब तक इनको झेल सकते हो। तो वो जैसे जैसे आप जितना लेट करते जाओगे उसका ऑफर और गिरता जाता है, जब लगता है बैंकों की इसका पैसा नहीं आएगा हाँ सर, तो वो सारे प्रयास कर लेता है, तो उसका रेट धीरे धीरे गिरता ही जाता है। लगभग कितने दिन के बाद ऑफर करना चाहिए सर? वो खुद ही करेंगे, हमारे ऑफर करने से नहीं होता है, वो खुद ही बोलते हैं जी, अच्छा, कि जब वो आप सबसे लास्ट पे आ जाए। अच्छा हाँ, जब लास्ट में वो खुद ही बताते हैं तो उस समय में बोल सकते हैं कि भाई मेरे पास तो इतना है। 30% से नीचे नीचे भी होता है क्रेडिट कार्ड का, तो अभी मैं एक वीडियो भी डाल रखा हूँ, उसमें 18% में या कुछ हाँ, कुछ आपने करीब, 18% वाला क्रेडिट कार्ड का दिया है सर। हाँ जी, उसने वो अब खुद वही ने कि... बजाज और टाटा वाले, हमें लगता है ज्यादा परेशान करेंगे सर, क्योंकि अभी हाँ सिर्फ बजाज वालों का फोन आया, वो एक ही किस्त बाउंस हुई और तीसरे दिन ही वो आ गए और कल फिर हाँ आने के लिए कहे हैं। हाँ तो क्रेडिट कार्ड का भी हो जाता है, बैंक का भी जब लगता है बैंकों के नहीं हो पा रहा तो क्या करेंगे ऐसा। जी, जैसे कोशिश करके एक एक का, एक एक हाँ दो, अगर 2-3 साल भी, 2 साल लग जाए तब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, धीरे नहीं, धीरे 2 साल करके। में तो बहुत तंग कर लेते हैं, फिर ये कई सारे उपाय करते हैं। कोशिश करो कि आप धीरे धीरे करके उससे भी पहले प्लानिंग करके इनको फ्री कर दो, ऐसा। ये बात जो भी है एक एक करके करोगे तो अपने आप ही कम होने लगेंगे, आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो बाहर कम हो रहा जी, है। दोबारा कभी लोन नहीं लेना है सर जिंदगी में। मिलेगा भी नहीं आपको इसलिए कि क्योंकि आप डिफॉल्ट जी कर जाओगे तो कहाँ से लोन मिलेगा, ये बात है ना। फ्यूचर की भी आपको सोचना पड़ेगा सब कुछ, क्योंकि आपको बैंक की तरफ से आपका व्यवहार खराब हो चुका है सर, ऐसा। आप पे नहीं लेकिन करोगे तो खराब हो अब जाएगा ना। हाँ, अब क्या 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 जाए सर, क्योंकि हो नहीं पा रहा है तो एक ही चारा है। हाँ, क्योंकि सब जितने बैंक वाले सब लोगों को फोन किए कि आपका ये खराब जाएगा, दोबारा कभी मिलेगा ना, सब लोग कह चुके हैं एक बार।